Hello students, welcome to Core Academy. Today we'll start new chapter which is matrices or determinants. Kuch log isko matrices bolte hain, kuch matrices bolte hain. Here I'm not going to discuss pronunciation. So matrices and determinants. As we are committed that before starting any topic, we first understand the meaning of the topic. So ये एक यूनिट है, इसमें हम लोग एक चैप्टर ये पढ़ेंगे, एक चैप्टर ये पढ़ेंगे, दोनों कनेक्टेड है. जैसे आपका फिजिक्स में 1D 2D सब ये कनेक्टेड होते हैं, जैसे मैथ्स में सेट्स रिलेशन फंक्शन कनेक्टेड हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सब कनेक्टेड है. इन द सेम वे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स कनेक्टेड है. फर्स्ट विल स्टार्ट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस या मैट्राइसेस. तो अब हमें यह समझना पड़ेगा, इसको तो अभी मैं लेट इट गो कर देता हूं बिकॉज इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो अभी हमें पढ़ना है मैट्रिसेस. मैट्रिसेस का सिंगुलर है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है? इस मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिवाइज one chapter or topic which you have studied in class 11th. You have seen complex number. और complex number के पहले आपने पढ़ा था imaginary number. Imaginary number में क्या हुआ था? आपको वो number बताए गए थे जो actual में number line पर होते ही नहीं है. तो यानी जो number होते ही नहीं है उनको imagine किया गया. Imagine किया गया तो उनकी फिर algebra भी बना दी. जिस तरीके से रियल नंबर्स की मैथमेटिक्स होती है, रियल नंबर्स की अलजेब्रा होती है, उनको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना मल्टीप्लाई करना, इन द सेम वे इमेजिनरी नंबर्स यानी आयोटा आपको याद आया होगा. आई ऑलवेज से इन एवरी लेक्चर दैट इमेजिन एवरीथिंग विच आई स्पीक और विच यू लिसन और विच यू राइट. इफ यू डू सो देन मैथमेटिक्स विल बी सिंपल टू यू एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर फिजिक्स टू. तो एल्जेब्रा की बात करें, केमिस्ट्री का देखो आपको पता है मेरी केमिस्ट्री बहुत बुरी रही है, इसी कारण मैं आईटीआई नहीं बन पाया. ये कहानी पता है, ट्वेल्थ वालों को तो पता ही है, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा. तो केमिस्ट्री में कोई ज्ञान नहीं दूंगा. फिजिक्स वाले सर ज्ञान देते होंगे, केमिस्ट्री वाले सर देते होंगे, मैं भी देता ही हूं, तो वापस से मैथ्स में आ जाता है. तो बेसिकली आई वो सेइंग दैट इमेजिनरी नंबर में पहले ये बताया गया कि जो नंबर होते ही नहीं उनको इमेजिन करो. ठीक है, इमेजिन करने के बाद में हमने उनकी एल्जेब्रा पढ़ी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन. इन द सेम वे आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स. यानी मैट्रिक्स एक बॉक्स है, डब्बा है, तो हम लोग डब्बों की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे. तो यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ बॉक्सेस. बॉक्सेस को अच्छा सा नाम दिया गया मैट्रिसेस. अब होता क्या है बच्चों, मैथमेटिशियन लोगों ने डिसाइड किया कि हम किस बॉक्स को पढ़ने जा रहे हैं. तो मैट्रिक्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑब्जेक्ट्स क्वांटिटीज सब आ गया. अब बात आती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है? एक बंदा यहां बैठा है, एक बंदा यहां बैठा है, एक बंदा यहां बैठा है, एक बंदा यहां यहां यहां, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया. अगर यहां से इसको हटा दो तो इट इज नॉट अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो सकता है. सो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रोज कितनी है? 2 और कॉलम्स कितने हैं? 4. अब यहां पर भी कंफ्यूजन कि रोज इनको बोलू. जैसे मान लो जब हमारी असेंबली होती है, असेंबली में यहां पर टीचर्स लोग होते हैं, यहां पर हम खड़े हैं, तो इसको भी रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 बोला जा सकता है. लेकिन मैथमेटिशियन लोगों ने फिक्स कर दिया क्योंकि बच्चों को एक डब्बा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दे विल हैव टू एक्सप्लेन कि वो रोज और कॉलम्स किसको बोल रहे हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में उस बॉक्स में रोज और कॉलम की लड़ाई हो सकती है. इसीलिए उन्होंने फिक्स किया कि इसको तो कहेंगे रो 1, इसको कहेंगे रो 2, इसको कहेंगे रो 3 जिसको हम पंक्ति कहते हैं, इसको कहेंगे कॉलम 1, इसको कहेंगे कॉलम 2, इसको कहेंगे कॉलम 3, इसको कहेंगे कॉलम 4 एंड सो ऑन. तो बेसिकली अब ये फिक्स हो गया कि इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में इसको रो कहा जाएगा लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ऐसे कॉलम कहा जाएगा। तो ये टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट और ये राइट। फिर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो समझ में आ गया ऑफ नंबर्स। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स में 1, 2, 1, 3, 4, 5, 2, 9, 7, -1, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। रूट टू, रूट थ्री, 1, 4, -2, 3, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, कितनी रोज, 3 रोज, कितने कॉलम्स, 2 कॉलम्स, कितनी रोज, 2 रोज, कितने कॉलम्स, 4 कॉलम्स। अब बात आती है, मैथमेटिशियन लोगों ने और भी चीजें फिक्स की। उन्होंने कहा कि मैट्रिक्स किसे कहेंगे, मैट्रिक्स को उन्होंने डिफाइन किया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज। ये आप लिखते रहना बच्चों। तो अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं, बहुत हो गया डब्बा डब्बा। ठीक है, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। अब फिजिकल क्वांटिटीज इसमें आ गई, इन अ बॉक्स लाइक। डेफिनेशन अब कंप्लीट होगी, ए बी सी डी, ये एक बॉक्स हो गया। और अगला एग्जांपल, 1, P, Q, R, S, A, B, C, D और 1, 3, 4, 5, 6, 2, 9, 1, √2। ठीक है, तो यानी कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमें यूज करना है। अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। उन्होंने एक सिंपल बनाया कि या तो ये यूज करो या फिर ऐसा ब्रैकेट यूज करो, ऐसा भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी मैथमेटिशियन लोगों ने इसको यूज नहीं किया, लेकिन अगर आप कर दोगे तो गलत नहीं होगा। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को आप फ्री नहीं लिख सकते, क्योंकि फ्रीली में फील नहीं आती है बॉक्स की, तो एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब ऐसे बनाओ, ऐसे मोस्ट मतलब मैक्सिमम बुक्स में ऐसे ही लिखा जाता है, कई जगह ऐसे भी मैट्रिक्स को लिखा जाता है, यानी इस तरीके से 1, 3, 4, 2, 9, 5 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं। तो यानी बात को समझ में आ गया, मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ बॉक्स लाइक, एग्जांपल दे दिया। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन पूरी। अब आपको ये समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स में सर्टेन नंबर ऑफ रोज होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स इज अ बॉक्स, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रिटन इन अ बॉक्स। ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको यह भी समझ में आ गया कि किसी मैट्रिक्स में रोज किसे कहा जाएगा, कॉलम्स किसे कहा जाएगा, ये भी फिक्स कर दिया मैथमेटिशियन लोगों ने। वो क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको इस तरीके से फील करो, जिस तरीके से आपको इमेजिनरी नंबर बताया गया फिर उसकी अलजेब्रा पढ़ाई गई, ऐसे ही आपको अभी डब्बा बताया जा रहा है और डब्बों की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इन डब्बों को, यानी कि इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ एड करेंगे। ठीक है, एडिशन होगा कि होगा, मतलब एडिशन होगा कि नहीं होगा, ये सब भी हम लोग देखेंगे। सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, इनटू होगा कि नहीं होगा, ये दो डब्बे किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के मैट्रिसेस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ बॉक्सेस। तो बेसिक आपका क्लियर हो गया। अब अगला हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोग मैट्रिसेस ही पहले पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें भी आप क्यों नहीं पूछ सकते, जिस तरीके से मैथमेटिशियन लोगों ने ये फिक्स कर दिया कि सेट को इसी में लिखा जाए, इंटरवल को ऐसे ही लिखा जाए, उसी तरीके से मैथमेटिशियन लोगों ने फिक्स कर दिया कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय m इंटू n। ये फिक्स हो गया। यानी ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जैसे ऑर्डर ऑफ इक्वेशन होता है, मतलब हम लोग उस डब्बे को पहचान दे रहे हैं, डब्बे से जुड़ी हुई एक चीज है ऑर्डर, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रम। यानी उस डब्बे का ऑर्डर क्या है, इसको समझने के लिए मैथमेटिशियन ने कहा कि उसका ऑर्डर दिया जाता है m इंटू एन से। इसको कई तरीके से पढ़ा जाता है, m बाई एन यूजली पढ़ा जाता है,
m इंटू एन भी पढ़ सकते हैं कि किसी डब्बे का ऑर्डर m इंटू एन है या किसी डब्बे का ऑर्डर m बाई एन है, तो ये ज्यादा यूज होता है बोलने में। नॉर्मल इंग्लिश है, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। वेयर m जो है, m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज इन द बॉक्स। अब पूरे चैप्टर में जहां जहां भी मैट्रिक्स को फील करना हो, हाउ विल यू फील? एज अ डब्बा, एज अ बॉक्स, समझ गए ना, जिसमें कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स को आप इस तरीके से इमेजिन करेंगे, n नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस आपको बताना है। जैसे मान लो ये कोई डब्बा है, इसका ऑर्डर क्या होगा, यहां पर मैट्रिक्स लिख रहा हूं और यहां पर उसका ऑर्डर आपको बताना है। नंबर ऑफ रोज 1 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो 2 by 3। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे, 2 by 3 और 2 into 3। 4 1 5 6, इसको कैसे बोलेंगे, 2 by 2 का डब्बा है, 2 by 2 देखो, 2 by 2। जिस तरीके से आपको पता है आपकी प्लॉट साइज कैसे बोलते हैं, 30 by 50 का मकान है हमारा, 50 by 60 का मकान है, 40 by 30 का मकान है, प्लॉट साइज 100 by 100। तो जो बाई है ना, वो ये वाला बाई नहीं है कि बाई में डिवीजन लग गया, इसको बाई बोलते हैं, 2 by 3, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पर लेंथ इनटू ब्रेथ तो नहीं है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये फिक्स कर दिया गया कि पहले रोज का नंबर ही बोला जाएगा ऑर्डर में, फिर कॉलम्स का नंबर बोला जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको, अभी मैंने आपको ऑर्डर पढ़ाया, अब एक छोटा सा टास्क मैं आपको दूं कि राइट अ डब्बा, राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 1, मींस हाउ मेनी रोज आर देयर, 3 एंड कॉलम, तो ए बी सी, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, या और आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, 1 2 3। इट इज ऑल्सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 1 3 by 1, ठीक है। अगर मैं ये बोलता कि राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 4, तो देर इज वन रो ओनली, तो कैसे लिखता, ए बी सी टी, ऐसे लिख देता, या 1 2 3 4, दिस इज अ मैट्रिक्स इन रो, देर इज अ रो, मतलब देर इज वन रो ओनली एंड देर आर 4 कॉलम्स इन द बॉक्स, ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ऑर्डर हो गया, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा मैट्रिक्स का डब्बे का ऑर्डर, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बॉक्स, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब असेंबली में आपको इस तरीके से खड़ा किया गया, 4 रोज लगाई गई और इसमें इसमें ये 4 कॉलम्स लगाए गए, आप रो नहीं बोल सकते ना, रो हम लोग हमारी रूटीन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि देर आर 4 रोज इन दिस असेंबली, लेकिन अब मैथमेटिशियन लोगों ने फिक्स कर दिया कि इफ इट इज रिटन इन अ बॉक्स देन नंबर ऑफ रोज विल बी लाइक दिस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, अब बार बार नहीं बोलूंगा मैं, कई बार बोल चुका। मान लीजिए यहां पर टोटल 10 लोग खड़े, ठीक है, तो अब क्या हो गया, 10 रोज हो गई, एक रो में कितने कॉलम्स, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 10 into 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 4 plus 4 plus 4 plus 4, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n is mn, ये आपको समझ में आ गया, m into n, तो जो ऑर्डर लिखा जाता है उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू गिव्स यू, जो ऑर्डर लिखा जाता है किसी भी डब्बे का, वही ऑर्डर गिव्स यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। अब हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये जो भी बेसिक हमने पढ़ा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन है अ डब्बा, अ मैट्रिक्स हैज 27 एलिमेंट्स, हाउ मेनी, यानी ये बता दिया गया, 27 की जगह आप कर लो इसको 28, अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स कैन दिस, कैन इट हैव। क्वेश्चन समझ में आ गए, इतनी सी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है,
और आपको भी आती है, आपको मेरे से ज्यादा आती होगी। अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स कैन इट हैव? ये जो डब्बा है ये कितने ओरिएंटेशंस में हो सकता है? ओरिएंटेशन मतलब समझते हो ना, हिंदी में कहते हैं उसको विन्यास, यानी कि कितने क्रम में, कितने टाइप के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हम इमेजिन कर सकते हैं विद यूजिंग 28 एलिमेंट्स। तो पहला तो ये हो गया कि 1/28 ये ऑर्डर हो गया, यानी एक ही रो रखी। सेकंड, टू रोज रखी तो 14 कॉलम्स रखने पड़ेंगे, इमेजिन करते जाना। और अगर इमेजिन नहीं हो पा रहा है तो बच्चों वीडियो पोस्ट कर देना, आगे मत बढ़ना, बिकॉज विदाउट इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स या इफ द स्टूडेंट डू नॉट इमेजिन द थिंग्स देन आई कैन नॉट टीच देम। ये मेरी कंडीशन होती है। अब क्या मैं 3 रोज रख करके मैनेज कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि 3 into something वो भी इंटीग्रल कैन नॉट गिव यू 28, तो 3 रोज में नहीं हो सकता। 4 into 7 का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 4 into 7 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 into 4 हो गया। अब पलटी मारने लग गया, 7 के बाद अगला 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10, क्योंकि लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कभी भी 2.5 रोज कभी सुने हो क्या? 3.5 रोज, 3.5 कॉलम्स, 3 and 1/4 कॉलम्स, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? कि ऑर्डर जो है जब हम डिसाइड करते हैं तो नंबर ऑफ रोज जो भी आ रही है वो उसकी टेबल में 28 आना ही चाहिए। उसके बाद में सीधा 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12, 13, 14, 14/2 and 6 ऑर्डर इज 28/1, यानी 28 रोज और 1 कॉलम, यानी सारे एलिमेंट्स ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो कितने डिफरेंट ऑर्डर्स इट कैन हैव? 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो आंसर इज 6। अब ऑब्जर्व करते जाओ बस। अगला क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स हैज 48 एलिमेंट्स। अ मैट्रिक्स हैज, यहां से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा, अ मैट्रिक्स हैज 48 एलिमेंट्स, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स कैन इट हैव? अब आप कैलकुलेट करोगे, सर 1/48, सर 2, ऑब्जर्व करना, बहुत शांति से ऑब्जर्व करना। मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दूंगा तब आप इस काम को कैसे करोगे? ठीक है, अभी तो आप गिन गिन के कर रहे हो, 1/48, 2/24, 3/16, 4/12, 5 नहीं होगा, 6/8, फिर 8/6, 8 के बाद पलटी मार के तो सीधा 12/4, अब आपका पलटी मार जाएगा, यानी ये जितना है उतना इधर आ जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा सर, कैसे इधर हम बढ़ाते जाएंगे, 12/4, 16/3, पहले 3 रोज थी, इसमें 3 रोज और हर कॉलम में 16 एलिमेंट्स, अब की बार 16 रोज और हर कॉलम में, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 16 रोज और ये कॉलम है 3 कॉलम है, यानी हर रो में 3 एलिमेंट्स, ऐसे बोलेंगे, मैंने पहले हर कॉलम में 3 एलिमेंट्स बोल दिया था तो गलत बोल दिया था, तो यानी कि 16 रोज जब होंगी तो हर कॉलम में 16 एलिमेंट्स हुआ और हर रो में 3 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, 16/3, फिर 24/2, फिर 48/1, कितने डिफरेंट ऑर्डर्स पॉसिबल है? 1, 2, 3, 4, 5 और 5, 10, तो टोटल 10 डिफरेंट ऑर्डर्स दिस मैट्रिक्स कैन हैव विद 48 एलिमेंट्स। ओके, मैंने आपको बोला था कि अब आप सोचना कि जैसे जैसे मैं इधर नंबर बढ़ाता जाऊंगा हाउ विल यू मैनेज। सपोज आई राइट अ मैट्रिक्स इज 100 एलिमेंट्स, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स कैन इट हैव? अब क्या होगा, ध्यान से समझना, 1/100, 2/50, 3 नहीं आएगा, 4/25, 5/26 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10/10, 11 नहीं आएगा, 12, 20, 30, क्या हो रहा है बच्चों, ये फैक्टर्स हैं। तो 100, अब आप लॉजिक पकड़ना वीडियो पोस्ट करके कि अगर नंबर बढ़ जाएगा तो कैसे हम लोग काउंट करेंगे, 10 के बाद में सीधा 20/5, अब रिपीट हो जाएगा, 20 के बाद में सीधा 25 into 4, फिर 15 into 2 और फिर 100 into 1, तो आप समझ रहे हो, ये क्या है, ये है ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100। यानी कि अगर आप यहां पर जो भी नंबर डाला जाए, यानी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बता दिए जाए और कहा जाए कि कितने डिफरेंट ऑर्डर्स कैन इट हैव, तो आपको क्या गिनना है, फैक्टर्स ऑफ 100, यानी
इसको फैक्टर्स बोल दो या फिर ये बोल दो कि वो नंबर्स जिनकी टेबल में 100 आता हो। तो फैक्टर्स ऑफ 100 क्या हो गया, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बना, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स अ मैट्रिक्स विद एन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स अ मैट्रिक्स कैन हैव इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, ठीक है, एन के जितने फैक्टर्स होंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके अब तक जितना भी मैंने बोला किसके लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, उसको इमेजिन करो, तब ही वीडियो को आगे देखना, अदरवाइज मत देखना, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन को बढ़ाता हूं, मतलब क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाता हूं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 1000 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स कैन इट हैव। अब क्या करोगे, अब गिनने तो नहीं बैठोगे ना बच्चों, तो अब आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1000। तो अब चैलेंज ये मिला कि 1000 के फैक्टर्स कैसे काउंट करेंगे। तो आप याद करो क्लास 11th परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चों अभी चैलेंज ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1000 कैसे काउंट करें। अगर गिनने बैठोगे तो 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन ऐसे गिनते जाओगे। तो आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा पीएमसी में, तो इसका लेना देना है किससे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लॉजिक ये होता था कि 1000 को पहले प्राइम फैक्टराइज करके रिप्रेजेंट करो, तो ये 1000 होगा 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 10 × 10 × 10, तो 2³ × 5। फिर आपको ये सिखाया गया होगा कि एनी फैक्टर ऑफ 1000 विल लुक लाइक, एनी फैक्टर ऑफ 1000 विल बी 2 to the power a × 5 to the power b, क्योंकि फैक्टर डिवाइड्स 1000, ध्यान से सुनना, फैक्टर डिवाइड्स 1000, तो जो भी नंबर इसको डिवाइड करेगा उस नंबर में 2 और 5 के अलावा तीसरा नंबर नहीं होगा, और इनके साथ भी रेस्ट्रिक्शन है, तो a कहां से कहां हो सकता है, a आपका हो सकता है 0, 1, 2, 3 और b आपका हो सकता है 0, 1, 2, 3, क्योंकि 2 to the power 3 and 5 to the power 3 can divide this, 2 to the power 3, 5 to the power 2 can divide this, 2 to the power 0, 5 to the power 0 means 1 can divide this, 2 to the power 0, 5 to the power 3 can divide this, but 2 to the power 4, 5 to the power 3 cannot divide this। तो लॉजिक ये होता था। तो अब एनी फैक्टर ऑफ 1000 ये होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1000 मींस नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग 2 to the power a × 5 to the power b विद a कॉमा b बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3। कितने तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो, तो a को फिल करने के तरीके देखो, a और b को फिल करने के तरीके, a को मैं 0 से फिल कर सकता हूं, 1 से 2 से 3 से। ए को जब 0 से फिल किया तो बी को 0 से 1 से 2 से और 3 से, तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी 4 × 4, तो टोटल 16। पीएनसी में पढ़ा है ना बच्चों, जिसने पीएनसी नहीं पढ़ा उसको दिक्कत होगी, लेकिन जिसने थोड़ा बहुत भी पीएनसी पढ़ा है, तो ए और बी को भरने के तरीके, ए कैन बी फिल्ड वाया 0 और 1 और 2 और 3, 4 वेज इसको भरने के तरीके 4, तो टोटल 16 वेज। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 16। तो 16 डिफरेंट ऑर्डर्स, क्योंकि 16 फैक्टर्स में ऐसे लिख दूंगा इनटू ऐसा नंबर लिखूंगा विच गिव्स यू द प्रोडक्ट 1000, तो यानी कि 16 डिफरेंट ऑर्डर्स में हम इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अ मैट्रिक्स हैज, ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कुल मिलाकर के इस तरह के क्वेश्चन में नंबर ऑफ फैक्टर्स को फोकस करना। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर मैं डाल देता हूं
a matrix has 735 elements. A matrix has 735 elements. How many different orders can have? Guarantee have. तो क्या हो जाएगा? Number of answer हो जाएगा number of factors of 735. अब 735 के factors कैसे निकालेंगे? सर 735 को prime factorize किया तो 2 से तो divisible नहीं है, 3 से भी divisible नहीं, 3 से है तो 3 से है तो 3 या ऐसे कर लो, ये तो छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है. 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 4 जा 5 जा, फिर 3 से नहीं जाएगा, फिर जाएगा आपका 7 से, नहीं 5 से, 7 से नहीं जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 9 जा 7, 7, 7, 1. इसका मतलब ये हुआ 3 into 5 into 7 square, तो 3 to the power 1 into 5 to the power 1 into 7 to the power 2. तो number of factors क्या हो जाएगा, number of factors of 735 को ऐसे लिखा is equal to number of factors of 735 is equal to number of ways of filling, ये यहाँ पर 1 2 sorry यहाँ पर भी 1 है, 3 to the power 1, 5 to the power 1, 7 to the power 2. तो number of factors यानी number of ways of filling A, B, C in 3 to the power A, 5 to the power B, 7 to the power C. A को भरने का तरीका 0 या 1, B को भरने का तरीका 0 या 1, C को भरने का तरीका 0 या 1 या 2 यानी 3, 4, 3 is 12. तो total कितने different orders? 12. Total कितने factors of 735? There are 12 factors, 12 numbers which divides 730, which divides 735. अब आगे बढ़ते हैं. तो कुल मिलाकर के अब कॉन्सेप्ट बन गया कि if a matrix has capital N elements, then how many different orders can it have is equal to factors of N. और factors of N अगर N equal to 2 to the power A, 3 to the power B, 5 to the power C, 7 to the power D, factors of n, और n आपका क्या है, n है 2 to the power a, 3 to the power prime factors करके आप ला सकते हो, 7 to the power d and so on जितना भी जाएगा, ये हो जाएगा a plus 1 into b plus 1 into c plus 1 into d plus 1, ये formula बन गया. अब चाहो तो इसको लिख सकते हो. तो एक final question इस topic से मैं देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं. If a matrix has 75,600 elements, 75,600 elements, how many different orders can it have? Okay, तो क्या करेंगे? इसके prime factors करेंगे. तो prime factors करते हैं. 75,600. सर ये 100 को तो हम लोग देख लेंगे. आप इसको देखो. क्योंकि इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 into 5 into 2 into 5. 100 को देख लेंगे. 756 के prime factors करते हैं. 2 से divide किया. 3 जा 6. 7 जा 14. 8 जा 16. 2 से डिवाइड किया 18, 2 जा 36, 9 जा, 3 से डिवाइड किया 6, 1, सॉरी 6, 3, फिर 3 से डिवाइड किया 9, सॉरी 21, 3 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1, ठीक है? तो ये क्या आ गया? 2 to the power 2, 3 to the power 3, 7 to the power 1, 2 to the power 2, 5 to the power 2, rearrange किया, 2 to the power 4, 3 to the power 3, 5 to the power 2, 7 to the power 1. तो number of factors, आज आपने दो चीजें सीखी, number of factors of 75,600 is equal to 4 plus 1, 5 into 4 plus 1, 1 second, 3 to the power 3 है यहाँ पर, ठीक है? तो 4 plus 1, 5 into 3 plus 1 into 2 plus 1 into 1 plus 4, 20, 60, 120. तो there are 120 different orders a matrix can have if the matrix has 75,600 elements. ये 75,600 students को देखो, application देखो, इतने हजारों में अगर students या persons हैं तो उनके कितने different rectangular arrangement में उनको arrange किया जा सकता है. तो एक पढ़ा लिखा बच्चा ही काम कर सकता है बच्चों, कि कितने डिफरेंट ओरिएंटेशन में उनको खड़ा कर सकता है, कितनी रोज और कॉलम्स
हम बना करके कितने सेटअप हम लोग बना सकते हैं ताकि इनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बन सके। ठीक, अब ये था, बीच में एक टॉपिक आ गया था, मतलब एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स कैन अ मैट्रिक्स हैव। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ डब्बे। किसी मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो टाइप मतलब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक डब्बे के टाइप क्या होंगे। तो टाइप यहां पर टाइप से मतलब मैं ले रहा हूं कि रोज और कॉलम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो इसमें मैथमेटिक्स लोगों ने सजेस्ट किया कि पहला रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहा उन लोगों ने, कि अ मैट्रिक्स एक डब्बा विच हैज ओनली वन रो, विच हैज वन रो ओनली, ओनली वन रो या वन रो ओनली, वन रो ओनली। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 वन बाई फोर की मैट्रिक्स, 0, 2, A, B, 0, 2, A, 1/3 की रो मैट्रिक्स, समझ में आ गया, इसमें कोई विशेष या स्पेशल कोई बात है नहीं। कॉलम मैट्रिक्स को क्या कहा, विच हैज वन कॉलम ओनली, वन कॉलम ओनली, एक ऐसा डब्बा जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, यानी फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 4 इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 by 1, 1, 2, 5, 6 इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 by 1 इसका ऑर्डर 3 by 1। ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, बिकॉज रेक्टेंगल और स्क्वायर में ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल द रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। तो एक स्पेसिफिक डब्बा हो गया जिसमें तीन इधर हैं तो तीन इधर है, यानी हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल है। अ मैट्रिक्स विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मुझे इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5 3 by 3 का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होंगी, 4 by 4, 5 by 5, 2 by 2, 1 by 1, 1 by 1 का ऐसा होगा, 2 by 2 का A, B, C, D, 3 by 3, 4 by 4 का क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 0, 2, -1, 2, 0, 1, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 4 rows, 4 columns। तो आया समझ में स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगला है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको लिखाने की जरूरत ही नहीं है, यानी जो स्क्वायर नहीं है तो उसको नॉन स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस के टाइप पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये तो आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ रोज इतनी होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स उतने होंगे। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप देखोगे, एबीसीडी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, मतलब ये समझाने से पहले नॉट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल क्या कहा गया, फिर मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगा। तो जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 3 by 3, लेट कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैथमेटिशियन लोगों ने इसको कहा,
इसको नहीं कहा, ठीक है फिक्स कर दिया। अब आप क्यों नहीं पूछ सकते, 4x4 का है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल ये होगा, ठीक है। तो यानी कि डायगोनल किसे कहा गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप समझ गए हो कि हर एक रो में जिस नंबर की रो है उसी नंबर के कॉलम के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया जाए, 2, 2, 3, 3, 4, 4, है ना, ठीक है। यानी डायगोनल इज कलेक्शन, कलेक्शन तो नहीं बोलेंगे, डायगोनल इज अ हाइपोथेटिकल लाइन, इसको ड्रॉ नहीं करते हैं, हाइपोथेटिकल लाइन इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच पासेस थ्रू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टाइप, ऑल द एलिमेंट्स एट द पोजिशन pth रो या ith रो ith कॉलम। ये सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट है, आप इसको रटने के चक्कर में मत पड़ना, आप इसको जस्ट फील करो। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम, इनसे जो लाइन बनेगी उसको डायगोनल कहते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, इनसे बनेगा डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल की डेफिनेशन क्लियर हो गई, और ये फिक्स है, इसी को मैथमेटिशियन लोगों ने डायगोनल कहा। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों डायगोनल पढ़ाया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal elements are zero। सबसे पहले diagonal matrix square matrix होती है, in which all the non-diagonal elements are zero। तो suppose अगर मैं 2x2 का diagonal matrix imagine करूं, a b c d, तो ये डायगोनल हुआ, तो इनका जीरो होना जरूरी है। फिर अब ये अपने हाथ में, जीरो रखो या वन रखो टू रखो, मतलब ये जीरो हो या नॉन जीरो हो डजंट मैटर, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो एग्जांपल ऑफ 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल बॉक्स या डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 3, 5, 0, 0। यहां -1 हो सकता है, यहां -2 हो सकता है, यहां √2 हो सकता है, यहां 0 भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। मेन है कि ये 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स, तो पहले 3x3 के लिए प्लेस बना लेता हूं, ये डायगोनल है, ये 0 होना चाहिए, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब यहां कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2 भी हो सकता है, 2, 1, 0 भी हो सकता है, 3, 1, 0 भी हो सकता है। आया समझ में? तो ऐसे 4x4 का, तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का जवाब वीडियो पॉज करके आपको आना चाहिए, पहले ही क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना है। क्वेश्चन है, अ डायगोनल मैट्रिक्स मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 by 10 नहीं लिखा, ऑफ ऑर्डर 10 मतलब 10 by 10, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को n by n ना बोल करके, यानी कि ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स या तो n by n बोल दो, या एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा भी बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी वो अपने आप n रोज एंड n कॉलम्स ले चुका है। अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 कैन है, यानी एक इमेजिन करो एक डब्बा
जिसमें 10 रोज और 10 कॉलम्स हैं, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए 90, बी 80, सी 85, डी 100। वीडियो पॉज करो और जवाब दो। पॉज करके जब आप प्ले करोगे तो आप 10 बाय 10 के डब्बे को इमेजिन करोगे विदाउट इमेजिनेशन, एक सिंगल आंसर नहीं देना है आपको, सिंपल सी चीज को भी इमेजिन करके ही पढ़ना है। सर 10 बाय 10 का डब्बा, ये डायगोनल एलिमेंट्स, पहली रो पहला कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन 10 को छोड़कर के बाकी सारों का जीरो होना जरूरी है, तो टोटल 100 एलिमेंट्स, ये टोटल 10 एलिमेंट्स, कितने बचे 90, तो 90 मिनिमम जीरोस होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ नंबर ऑफ जीरोस, इफ नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, इफ नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 100 इज एन, देन ऑप्शन ए एन बिलोंग्स टू, यानी एन मतलब एन ऑब्वियस सी बात है, एन क्या होगा इंटीजर ही होगा, मतलब नेचुरल नंबर ही होगा, देन आपको बताना है कि एन कहां से कहां लाई करेगा, एन बिलोंग्स टू, ऑप्शन वन है 9000 टू 10000, ठीक है। ऑप्शन बी है वो एन नेचुरल है, इज एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, देन यानी इसमें से ये नहीं कि 9000.5 को भी कंसीडर कर लिया जाए, इसमें से इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा, फिर वो एन बिलोंग्स टू 9999 टू 10000, सी एन बिलोंग्स टू 9200, डी नन ऑफ दीज। वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब आप प्ले करोगे तो आप इसको फील करोगे, फील करोगे तो एक ऑर्डर 100, 100 रोज 100 कॉलम्स, डायगोनल एलिमेंट्स कितना 100, इनको छोड़कर के सारे सभी के सभी जीरो होंगे, मतलब ये हो सकते हैं लेकिन इन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनके अलावा पर रेस्ट्रिक्शन है, तो टोटल 10000 एलिमेंट्स, टोटल 10000, उसमें से 100 के अलावा सारे जीरो होने चाहिए, तो 9900 क्या होना चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, और मैक्सिमम पूरे के पूरे 10000 भी हो सकता है, 9900 से 10000 ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या आएगा नन ऑफ दीज। आपने देखा बच्चों क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है, आपने जो पढ़ा एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं अगर इसको जनरलाइज करना हो कि अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस पी है और उसका ऑर्डर एन है तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, सर टोटल एन बाय एन का मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रोज एन कॉलम्स, टोटल एलिमेंट्स एन स्क्वायर, डायगोनल को छोड़ा, डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे एन, तो मिनिमम होगा एन स्क्वायर माइनस एन, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एन स्क्वायर, पूरे के पूरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ा आपने डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल डी से लिखा जाता है लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सेकंड है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, In which all the diagonal elements are equal. फील करो, जैसे ही diagonal matrix बोला
इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो हो गए, लेकिन ये सब सेम होंगे। जैसे एक 4x4 का डायगोनल मैट्रिक्स इमेजिन करूं, स्केलर मैट्रिक्स इमेजिन करूं, तो ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। ये क्या हो गया स्केलर, यहां पर क्या हो सकता है, बस लेकिन सेम होंगे, यहां पर सेम होंगे, जीरो डाला तो जीरो। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, सेम होना चाहिए। तो क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि हर डायगोनल, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि 1400 डायगोनल मैट्रिक्स तो ये भी है लेकिन ये स्केलर नहीं होगी। तो आगे समझ में, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, अब देखो क्वेश्चन तो मैं यहां से भी बना सकता हूं, जैसे बोलूं कि स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n या ऑफ ऑर्डर 10, तो उसमें चलो एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं। इन अ स्केलर मैट्रिक्स, इन अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 20, ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी, ठीक है, तो कितना होगा आपको बताना है। तो वीडियो पॉज करके आंसर सोचना। क्वेश्चन मैंने पूछा, जब आप प्ले करोगे तो डिस्कशन करते हैं। टोटल 20x20 का हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, फील करो 20x20, ये डायगोनल को छोड़ करके सारे जीरो, बात हो रही है स्केलर मैट्रिक्स की। तो बच्चों जब 0 0 0 आपने भरा तो एक ही टाइप का एलिमेंट अभी तक भरा, अब डायगोनल की बात हो रही है तो स्केलर में डायगोनल सेम होना चाहिए। मिनिमम के केस में इसको हम डिफरेंट नहीं करें, यानी ये सब क्या है, जीरो, तो जीरो अभी तक, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट अभी तक जीरो आया, अब इसको भी हम लोग जीरो ले लेते हैं, तो यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट विल बी वन, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल जीरो से ही हम लोग स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 20 भी बना सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, अभी तो बच्चों आपको समझ आ रहा है, इनको लिखते जाना, ठीक है, पढ़ने का तरीका यही है कि सुनो पॉज करो लिखो, सुनो पॉज करो लिखो। पता नहीं आप लोगों को लाइव लेक्चर क्यों समझ में, क्यों अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं समझ में आता लाइव लेक्चर। अब आप एक बार सोचो बच्चों, कोई टीचर अगर लाइव लेक्चर दे रहा है, 40-50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं हजारों में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो वो लाइव लेक्चर को क्यों पसंद करते हैं मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता कि वो बोलता जा रहा है, वो आपके लिए रुकेगा तो नहीं ना, आप एक क्वेश्चन को 3 मिनट में करोगे 3 मिनट में आपके लिए रुक जाएगा क्या, सारे बच्चों से पूछेगा तुमने कर लिया, तुमने कर लिया, फिर 5 ने कहा कि सर हमने नहीं किया, 4 ने कहा कि हमने कर लिया, तो 4 बैठे रहेंगे, फिर वो 4 जो है चाय पीने चले जाएंगे, 5 क्वेश्चन को अभी तक कर रहे हैं, और वो जो पढ़ाने वाला बंदा है वो क्या करेगा। तो लाइव आई डोंट थिंक लाइव कुछ मैटर करता है, लेकिन फिर भी 11 के कुछ बच्चों ने लाइव के लिए कहा, तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट, बट आई डोंट लाइक लाइव क्लासेस, इनमें बड़ा मजा है, सिस्टमेटिक पढ़ो, आराम से जितना पढ़ा सुना रिवाइंड करके देखो, नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद में होमवर्क सॉल्व करो, मतलब, और फिर डाउट पूछने में तो अपने लर्न इट होंगे, दिक्कत ही नहीं है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपका जैसे ही डाउट है हम जवाब दें, लेकिन अगर हम बाथरूम में है तो हमें मैसेज लेट मिलता है, अगर हम सो गए तो हमें मैसेज लेट मिलता है, दिन में सो गए तो फिर मैसेज लेट मिलेगा। बट मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 दिन से कि मैं ही नहीं, राहुल सर भी, जीतू सर भी, बाकी सभी तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप डाउट तो पूछो। कभी कभी किसी बच्चे का जैसे 9 बजे क्वेरी आई, अब मोबाइल नहीं देख पाए, सुबह देखा, तो उसको टाइम लग रहा है, बाकी मैक्सिमम लोगों का विद इन 1 आवर रिजोल्व हो जा रहा है। तो मैं यहां पर लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स को डिस्कस नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि रिकॉर्डेड लेक्चर में ये होता है कि मैं रेस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं रहूंगा, टीचर सिर्फ आपसे बातें कर रहे हैं उन बातों को। अब मान लो आप लाइव लेक्चर लेते भी हो तो होता क्या है लाइव में, अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बोला, मैं हर एक बच्चे के लिए तो नहीं रुक सकता ना, रेस्पॉन्स जैसे क्लास में क्या होता है, क्लास में समझ आता है कि जो बच्चे कर लेते हैं ना उनको दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, तो वो फील नहीं आ पाती है। कई नमूने ऐसा बोलते हैं कि नहीं बस लाइव चल रहा है, तो पता कुछ नहीं है कि लाइव का मतलब क्या होता है, बस लाइव। अब आप सोचो
कि अगर आप लाइव क्लास एक घंटा लेते हो तो आप उसके नोट्स बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। आपको पता है मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक घंटा बराबर तीन घंटे की ऑफलाइन होती है, या दो से तीन घंटे नोट्स बनाने में लगते हैं। तो एक घंटा आप लाइव लेक्चर में दोगे, फिर उसके नोट्स बनाने के लिए दो घंटे शाम को दोगे। इससे अच्छा है ना कि आराम से इसी पे टाइम दो, बाकी आपकी चॉइस है। लेकिन मैं लाइव के लिए प्लान कर रहा हूं। हाँ, तो हमने क्या सॉल्यूशन निकाला कि लाइव लेक्चर्स अगर ना भी दे पाए तो डिस्कशन लाइव लेक्चर, तो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करे, और लाइव में ये होगा कि भाई हाँ पूछो बताता हूं, जिसको क्विट करना है क्विट कर ले, मतलब वो कंपलसरी ना रहे, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तब कंपलसरी होती है कि सारी की सारी चीजें पढ़नी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं किसमें? एक स्केलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 20 है। तो सर ये तो यानी एक डिफरेंट एलिमेंट तो जीरो हो गया। अब चूंकि स्केलर है तो एक ही टाइप का एलिमेंट भर सकता हूं, तो एक टाइप का तो ये और एक टाइप का, यानी कि टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स टू बस हो सकते हैं, बाकी डिफरेंट हो ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन कैसे भी बन जाते हैं आपको बारीकी से पढ़ना चाहिए, फिर आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, डायगोनल पढ़ा, सेकंड स्केलर पढ़ा, अब हम थर्ड पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अभी सिर्फ हम डब्बों के नाम जान रहे हैं, डब्बों को पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स या एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस तो अभी चालू ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स में आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स स्केलर मैट्रिक्स, फील आ गई, डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन ओनली, सभी वन होते हैं। तो बच्चों इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट मैट्रिक्स इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एन मतलब वेयर एन इज ऑर्डर। जैसे कि अगर आई टू लिखा तो टू बाय टू का यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? वन वन, डायगोनल एलिमेंट्स वन होंगे। आई थ्री क्या हो जाएगा? वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब आई फोर आप खुद से लिखो, बहुत बेसिक है, वन जीरो 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 फोर बाई फोर रखना है, जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये डायगोनल एलिमेंट्स वन वन वन, बाकी सारे जीरो। ऐसे ही आई फाइव आई सिक्स आई सेवन, तो आपको यूनिट मैट्रिक्स भी समझ में आ गया। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस में मैंने तीन टाइप्स डिस्कस किए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मुझे पहले ही पढ़ा देना चाहिए था लेकिन भूल गया, अभी याद आ गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये तो आप जानते ही हो, लेकिन टॉपिक में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। यानी ये तो हर कोई बता देगा कि ऐसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी डब्बे को कैसे लिखा जाता है ये आपको पता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अ मैट्रिक्स इस रिप्रेजेंटेशन से जुड़े, इस रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा एक साथ। यानी इस रिप्रेजेंटेशन में अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिटर्न एज, ये पहला पॉइंट हो गया, रिटर्न इनटू, मतलब एक डब्बा या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इज ऑलवेज रिटर्न इन दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट, ठीक है। सेकंड, एनी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज जनरली शब्द आ गया, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल एक्स, कैपिटल बी एटसेट्रा, मतलब मैं बात कर रहा हूं कैपिटल लेटर की। तो अगर सर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे तो गुनाह हो जाएगा क्या, सजा हो जाएगी क्या, नहीं होगी। लेकिन जनरली मैथमेटिशियन लोगों ने यही ट्रेंड चलाया कि किसी भी डब्बे को अगर नाम देना है, जैसे कि कैपिटल ए इज इक्वल टू, फील करते थे बस समझ आएगा, तो ये डब्बे का नाम है, इस डब्बे का नाम ए, इस डब्बे में टू रोज है और थ्री कॉलम्स है। थर्ड, अ मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर एम बाई एन इज रिप्रेजेंटेड
इज कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? ए इज इक्वल टू डब्बा एम इंटू एन, यहां पर ए आई जे। अब आएगा मजा, अब इसको आप सोचो वीडियो पॉज करके कि सर ने क्या लिखा, फिर मैं आपको बताता हूं। अब आपने सोचा होगा, देखो बिना सोचे इमेजिनेशन किए तो आपको मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। क्या है कि डब्बा तो बना दिया, ये मैट्रिक्स का नाम डब्बा भी बना दिया। डब्बे में कौन आता है? एलिमेंट आता है। ये क्या है? ऑर्डर। ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, इसको समझना है। तो ए आई जे क्या है? ये है एलिमेंट सिटिंग एट, या एलिमेंट एट द पोजिशन, या एलिमेंट लाइंग है, या एलिमेंट रेस्टिंग है, आराम कर रहा है एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? एलिमेंट सिटिंग एट पोजिशन आईथ रो एंड जेथ कोलम। मुझे पता है बच्चों, टीचर ना रोल मारता है, अरे कितना सिंपल है मैंने देखा है। क्योंकि बच्चों यूट्यूब पर ना कोई जो वीडियो टीचर में, आप मेरी बात को सुनाना मजा आएगा। देखो मैंने ना दो तीन लेक्चर तो देखे हैं, कई अच्छे पढ़ाने वाले भी, मेरे से भी अच्छे पढ़ाने वाले होंगे, मैं कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करता, लेकिन हाँ ऑनेस्टी में मैं कम नहीं हूं, ऑनेस्ट मैं भी हूं। तो मैंने देखा कि हर टीचर ऑलमोस्ट यही कहता है, देखो चैप्टर बहुत सिंपल है, बस तुम्हें थोड़ा ढंग से पढ़ना है, बाकी आईआईटी जेईई की प्रॉब्लम हम ऐसे ही निकाल लेंगे, बस। उसको हलवा लगता है, मतलब टीचर जो है उसको आता है, उसके लिए सिंपल है तो बच्चों के लिए भी सिंपल है। हर टीचर ये बोलेगा, अरे बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से फोकस करना है। मैं भी कई बार बोलता हूँ, मैंने भी कई बार बोला होगा, ठीक है, ये आदत है टीचर की, और इस आदत को आप उससे छीन नहीं सकते, लेकिन मैं अपनी आदत अब कम कर रहा हूं कि मैं ऐसे बहुत कम टाइम बोलता हूँ। बच्चों चीजें डिफिकल्ट होती है। अच्छा टीचर की एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, टीचर क्या होता है, एक ही चीज को 9 सालों से 10 सालों से 20 सालों से 5 सालों से पढ़ा रहा होता है। अब उसको तो क्या लगता है, आईएमआई लगती है कि बहुत सिंपल है। जब वो टीचर खुद पढ़ेगा ना बेटा, कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं बच्चों इधर उधर नई चीजें पढ़ता रहता हूं, जब वो टीचर खुद पढ़ेगा तब उसको रियलाइज होगा कि एक स्टूडेंट का दुख क्या होता है। स्टूडेंट जिस तरीके से आपका इमेजिनेशन टीचर का होता है, वैसा इमेजिनेशन स्टूडेंट का नहीं हो सकता। मुझे ऑलरेडी जो चीज देखी हुई है उसको मैं दिखवा रहा हूं, इट इज क्वाइट सिंपल फॉर मी, बट एज फर्स्ट टाइम, या एक स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए कैसे सिंपल होगा। ये चीज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सिंपल नहीं है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सिंपल तब होगी जब आप इसको बिना विजुअलाइज किए आगे बढ़ोगे नहीं। एक एक स्टेप, एक एक वर्ड, कितना भी टाइम लगे थोड़ा पढ़ो लेकिन क्वालिटी पढ़ो, ये चीज याद रखना। अभी क्या है, सिटिंग एट आईथ रो एंड जेथ कॉलम, मतलब सर जैसे कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, जैसे असेंबली होल है तो ये असेंबली होल है। अब हमें पता है ना रो और कॉलम क्या, तो अगर मैं कहूं A32, तो A32 क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहां बैठा हुआ एलिमेंट। जैसे मैं कहूं A43, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, मैं कहूं A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहां बैठा हुआ एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको कहेंगे। तो एलिमेंट ऐसे बन गए, यानी कि आई जे और ये ऑर्डर, एन नंबर ऑफ रोज एन नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मैंने कल एक वीडियो देखा था, ऐसे ही नजर पड़ गई उस पर, वो बता रहा था कि आईआईटी सिर्फ यो 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 खेल है उसके लिए यो। अब वो यो कैसे करा देगा मुझे समझ ही नहीं आता, ये हम बच्चे को इमेजिन कराने में साल भर थक जाते हैं, वो पता नहीं यो निकाल देगा। तो क्या है ना, ये यूट्यूब पर आजकल चलन है कि सब्सक्राइब, अगर आपको हमारा चैनल, एक तो कोई भी वीडियो से मैं ये तंग आ गया, अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये मुझे समझ नहीं आता, ठीक है YouTube पैसा देता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मोनेटाइज वगैरह क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि जिनके मिलियंस में व्यूज होते हैं उनका थोड़ा अच्छा पैसा मिलता है, बाकी $1-2, ठीक है। तो ये इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब, अरे भाई किसी को पसंद आएगा तो करेगा लाइक, नहीं आएगा तो डिसलाइक करेगा। आप अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो ले रहे, दैट इज ओके। हाँ कोई यूजफुल कंटेंट है जिसको अगर शेयर करने के लिए बोला जा सकता है, सपोज अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है बच्चों, और आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको अच्छी टीचिंग नहीं मिल रही है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि उसको हमसे जोड़ना, ये एक अलग चीज है। अब आप ये मत बोलना कि सर आप तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, पर हमें बोल रहे हो कि प्रमोट करो, ऐसा नहीं है बच्चों। ये एक नॉर्मल सा फिनोमिना है कि अगर आप किसी चीज को पसंद करते हो तो अच्छी चीजें बांटो, ठीक है, ये नॉर्मल सा ट्रेंड है।
तो उससे क्या होगा, लोगों का पता होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी को व्हाट्सएप पे भेज दिया, इररिलेवेंट। जो रिलेवेंट आपको लगता है कि इसको ये चीज चाहिए उसको बताना चाहिए, उससे उसका भला ही होगा। ओके, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, राइट अ मैट्रिक्स कैपिटल बी इज इक्वल टू बी आई जे 2/3 वेयर बी आई जे इज इक्वल टू 2i-3 2i+3j ऐसे लिखा। अब वीडियो पॉज करो और खुद से तैयारी करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब आप प्ले करोगे और इसको फील करो, क्या है सर, एक डब्बा है जिसका नाम बी है, उस डब्बे का ऑर्डर है 2/3, तो असेंबली हॉल में 2 rows 3 columns, ठीक है। अब यहां पर एलिमेंट हमें लाने हैं, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A ij ith row jth column, A12 A13 A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, तो ये रहा ना फॉर्मूला, ये ए में भी लिख सकता हूं बी में भी लिख सकता हूं, यहां पर बी रिप्रेजेंट किया हुआ है तो मुझे एलिमेंट्स को कैसे लिखना चाहिए था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 rows 3 columns, 2 rows 3 columns, फिर B21 B22 B23 B11। अब आप इसको भी नहीं कि ऐसे बनाने लग गए, B1 2×1 i की जगह, फिर 3×1 ये 5 आया, फिर B12 बनाओगे, तो ऐसा फुर्सत में काम नहीं करना है, इसको बढ़िया इमेजिन करो। पहले इसको इमेजिन किया था तो समझ में आ गया कि सर ऐसी मैट्रिक्स होगी। अब हमें एलिमेंट्स फिल करना है, ठीक है, कैसे फिल करेंगे सर, जो भी एलिमेंट है आई थ्री और जेथ कॉलम वाला, आई थ्रो और जेथ कॉलम वाला और 2i+3j, मतलब जिस रो या कॉलम का वो नंबर, जिस रो या कॉलम में वो बैठा होगा तो रो का दुगना प्लस कॉलम का 3 गुना, ये करना है। 1 1 2+3 कितना 5, रो का दुगना, लॉजिक पकड़ लिया ना, इसका दुगना इसका 3 गुने का सम, 2 6 8 2 9 11 इसका दुगना 4 इसका दुगना 3 7 इसका दुगना 4 इसका दुगना 3 गुना 6 10 8 9 सॉरी B23 ना, इसका दुगना 4 इसका 3 गुना 9 9 4 30, ये बन गए मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देता हूं, राइट अ मैट्रिक्स, राइट अ मैट्रिक्स कैपिटल ए ब्रैकेट में ए आई जे 3/3 वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस 2j, ठीक है। अभी आपको फील करना है डब्बे का नाम क्या है, कैपिटल ए, डब्बे का ऑर्डर क्या है 3/3, तो यहां क्या आएगा 1 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, समझ में आ गया, ठीक है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक। अब यहां पर आई स्क्वायर प्लस 2j, ये नंबरिंग हो ही नहीं, आई स्क्वायर प्लस 2j, इसका स्क्वायर प्लस इसका दुगना 1+2 3, 1+4 इसका स्क्वायर इसका दुगना 1+4 5, 1+9 10 इसका स्क्वायर इसका दुगना 4² + 2 6, 4+4 8, 4+6 इसका स्क्वायर प्लस इसका दुगना 9+1 10, 9+4 13, 9+6 15, मैट्रिक्स आ गई। अब मैं आपसे एक रैंडमली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3/4 वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 2i+3j-2 या 2i+5j-10, ऐसे एलिमेंट डिसाइड होता है। अगर आप मेरी बात को समझ गए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो मैट्रिक्स होगी इसमें कितने रोज होंगे, 3 rows 4 columns,
ये 3x4 का मैट्रिक्स हो गया, 3 rows 4 columns। अब इसमें ये वाला एलिमेंट भरना है, तो इसका नंबर क्या है, 2 2। ओके ठीक है, इसका नंबर क्या है, थर्ड, ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम, A3 4। अब आपको जब वंस यू हैव डिसाइडेड, यू हैव फाउंड, यू हैव आइडेंटिफाइड विच एलिमेंट इज दिस, वेदर इट इज लाइंग इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, यू कैन डिसाइड कि क्या करना है। ठीक है, थर्ड फोर्थ ये वाला हो गया। फॉर्मूला क्या है, सर 2i + 5j - 10, 2i + 5j - 10 कितना हो गया, 16, तो ये 16 हो जाएगा। नाउ इन दिस वे यू कैन फिल द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपने रिप्रेजेंटेशन कंप्लीटली पढ़ लिया, ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, मुझे वहां पर बताना था, लेकिन चूंकि मैं आपको रिप्रेजेंटेशन पढ़ाना भूल गया था तो मैंने वहां पर नहीं बताया, अभी मैं बता देता हूं। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, तो अब डायगोनल मैट्रिक्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ध्यान से देखना, डायगोनल मैट्रिक्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, और स्क्वायर मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, डी इज इक्वल टू डायगोनल का डी, ए आई जे या डी आई जे, एन इंटू एन, ऑर्डर तो एन स्क्वायर है ना, एन इंटू एन। अब यहां पर वेयर, यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल टू जे, एंड एनी नंबर इफ आई, एनी नंबर या एनी ऑब्जेक्ट इफ आई इक्वल टू जे। अब इसको ध्यान से समझना, सर डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो ये A11 डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, A11, A22, A33, A44, n/n। तो जब i इक्वल टू j है तब जीरो हो या नॉन जीरो हो, कुछ भी हो सकता है, बाकी जब i इक्वल टू j नहीं है, यहां i इक्वल टू j नहीं है, A12, A13, A14, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, बाकी एलिमेंट जीरो हो या कोई एनी नंबर हो, मतलब देखिए कॉन्स्टेंट हो, यानी k, ये K का मतलब तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि सभी K K हो जाएंगे, तो ये स्केलर बन जाएगा। तो यहां क्या लिखा मैंने, एनी नंबर, यानी इसको फ्री कर दिया, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट कब होगा, जब I इक्वल टू J होगा, A11 फिल करो, A22 डायगोनल में, A33 A44 A55, तो ये कुछ भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर व्हेन I इक्वल टू J, और जब I नॉट इक्वल टू J तो क्या होगा, जीरो, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब मुझे लिखना हो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को सिंबॉलिकली कैसे लिखूंगा, कैपिटल एस इज इक्वल टू ए आई जे, एम इंटू एन या एन इंटू एन, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल टू जे, एंड इफ आई इक्वल टू जे इट इज अ कांस्टेंट के या लैम्डा, अभी फिक्स हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, स्केलर। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं उस समय बताता तो आपका दिमाग खराब हो जाता इसीलिए, और क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को पूरा पढ़ाना भूल गया था। ओके, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स को आपने लिखा, स्केलर को लिखा, अब आपको लिखना है थर्ड यूनिट मैट्रिक्स को। यूनिट मैट्रिक्स का सिंबल आई होता है, आई कैसे लिखते हैं, ए आई जे एन बाई एन, वेयर ए आई जे इज डिफाइंड एज जीरो इफ आई नॉट इक्वल टू जे, अगर एलिमेंट डायगोनल पर नहीं बैठा है तो डायगोनल पर आई इक्वल टू जे होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, और आई इक्वल टू जे होने पर यहां 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई मुझे देना है। क्वेश्चन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर 3x3 इज गिवन एज या डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू ए आई जे, है ना, फिर यहां पर
ये 3x3 तो है, लिखने की जरूरत नहीं है. वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इक्वल टू जे, ठीक है, एंड ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई या ए जे आई इफ आई नॉट इक्वल टू जे. माइनस ए जे आई, इसको माइनस ए जे आई कर लो, इफ आई नॉट इक्वल टू जे, देन राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सच मैट्रिक्स. ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एग्जाम्पल देना है इसका. होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसको सबमिट करना है, ठीक है, मैं देखूंगा. क्वेश्चन नंबर 2 है अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर 3 इज गिवन या इज रिप्रेजेंटेड एज is represented by capital A is equal to Aij, where Aij is equal to 0 if I greater than j, any non-zero number, मतलब any number, यहां I greater than j है, any non-zero number, नॉन जीरो रियल नंबर इफ एल स्क्वायर, मतलब आई अगर जे से बड़ा है तो जीरो, और अगर आई जे से बड़ा नहीं है तो कोई भी कैसे, तो एनी, तो ये ऑर्डर है इसका 100 by 100, ठीक है. आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है, देन फाइंड नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन कैपिटल ए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 100 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर हो जाएगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 100 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यहां पर हो जाएगा आई लेस देन जे. ये सेम क्वेश्चन है, मतलब बस पहले क्या था आई ग्रेटर देन जे, आपके क्या हो गया आई लेसर देन जे, और ये एनी नॉन जीरो रियल नंबर एल्सवेयर फाइंड नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन ए. आपको आंसर कैसे देना है मैं बताता हूं. कमेंट बॉक्स में आप जो जहां टाइप करने का वो होता है वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 को भी टाइप करोगे. मैट्रिक्स करना कुछ नहीं, और आपको करना कुछ नहीं है, ये यहां पर 3x3 का एक मैट्रिक्स, तो वहां ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा स्पेस देकर के लिख देना. मैं समझ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 नंबर की फॉर्म, ठीक है. इमेज अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि इमेज, या फिर इमेज अपलोड करो तो तीनों की एक साथ आंसर लिख करके इमेज अपलोड कर देना, और अगर टाइप करना है तो इसको सिर्फ टाइप करना पड़ेगा, इसका सिर्फ एक नंबर है आंसर, लेकिन क्लियरली मेंशन की होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. आज के लिए इतना काफी है, आज हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा. तो फाइनली बाय बाय एवरीवन.